मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी सदस्यों द्वारा एक कार को रोककर उनमें से कुछ बच्चियों को उतारकर पुलिस को सूचना दी गई थी और कार चालक और बच्चियों को पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कार चालक पर मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया गया था। लेकिन भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारी द्वारा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर संतुष्ट न होकर दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये बच्चे जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि हमारे माँ बाप नहीं है, शायद उनके फादर जेल में हैं और मदर की डेथ हो चुकी है, एक तरह से अनाथ तरह के बच्चे हैं। और गाड़ी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई हाँ, मैं कल संज्ञान इस चीज़ का लूँगी कि वो गाड़ी किसकी है, क्या है। अभी तक किसकी मिल जाएगी, मैंने किसी गाड़ी हो अभी तक मुझे नॉलेज में नहीं है। मैं अभी बिल्कुल जस्ट आई हूँ यहाँ पे और मैं पूछ रही हूँ, और गाड़ी किसकी है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा मैंने गाड़ी वाले के मालिक के पास ये बच्चे जा रहे क्या, गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर था खुद बोला है कि ये हमको लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, उस सारी चीजें बच्चे ने खुद वीडियो में बताई है और सारी चीजें पुलिस को हमने संज्ञान भी करा दिया। अभी हम मिलने आए, हमने पूछा, उन्होंने कहा कि उस समय हमें कोई एप्लीकेशन नहीं मिली थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा थी, हम लोग महिलाएं थे तो हमने सोचा कि हम सुबह आके एप्लीकेशन दे दिए। जी, हमने अभी एप्लीकेशन नहीं दी है, अब एप्लीकेशन अभी पुलिस ने लिखी हुई है, हम कल उस पर अपने बयान दर्ज कराएंगे सब लोग आके और तब हम संज्ञान लेंगे। जी, जो भी है वो तो जो भी है कड़ी कार्रवाई, कोई भी हो बक्सा नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चियां हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं और एक महिला शक्ति होने के नाते, एक महिला समाज सेवी होने के नाते हम उन बच्चियों का भविष्य दांव पे किसी भी कीमत पे नहीं लगने देंगे। थाने में पहुंचकर पत्र सौंपा है जिसका संज्ञान लेते हुए एएसपी द्वारा जांच के आदेश देते हुए महिला मोर्चा से जुड़ी सदस्य का बयान दर्ज कराने के आदेश दिए और दूसरे पर कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। बच्ची बरामद हुई, क्या पूरा मामला था? एक सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में कुछ बच्चे हैं, जिसके सूचना में पुलिस मौके पहुंची, वहां पे गाड़ी वाला मिला, बच्चे नहीं मिले, गाड़ी वाले को पकड़ के लाया गया और तहरीर प्राप्त करने की कोशिश की गई पर कोई व्यक्ति तहरीर नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से तहरीर लिख करके मुकदमा पंजीकृत कराया, तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करके कोर्ट के लिए रवाना कर दिया और जो उसके पास से गाड़ी बरामद उसको सीज कर लिया गया। इस पर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और जिसका भी नाम इसमें और भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है।